हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। और देख लो, दो नेकेड बाइक्स के बीच करने वाले कंपेयर। एक आपकी नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, दूसरी भी नेकेड है, बट आपकी थोड़ी रेट्रो में चली जाती है, थोड़ी रोस्टर वाला लुक आता है इसका। तो बिल्कुल अभी अभी लॉन्च किया रॉयल एनफील्ड ने अपनी 450cc की गोरिल्ला 450, जो कि आपकी 450cc के इंजन के साथ आती है। लिक्विड कूल इंजन है, DOHC टेक्नोलॉजी है, 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आते हैं। 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क देते हैं। क्या बैलेंस में रखा भाई, थैनोस की फैन लग रही है। वहीं पे बगल में आपकी BMW, भाई बहुत महंगी बाइक है। जहाँ पे गोरिल्ला आपकी 3 लाख के आसपास आती है, वहीं BMW आपकी 340 के आसपास आती है। और इंजन जो है वो आपका 310cc का है। पावर फिगर की बात कर लें तो भाई देखो, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, लिक्विड कूल है, वो सारी चीज़ें मैच कर रही है, बट इंजन छोटा है तो पावर भी कम है। 35 PS की पावर और 28 Nm का टॉर्क। तो पावर और टॉर्क दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कम है गोरिल्ला से। टॉप स्पीड का पता नहीं, वो हम लोग कर लेते हैं ड्रैग करके। तो सबसे पहले मैं चलाऊँगा BMW इस बार। देखेंगे, BMW से गोरिल्ला को टक्कर देने की कोशिश करूँगा मैं। वैसे टॉप इन में तो टक्कर नहीं दे पाएगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि NS से गोरिल्ला कर चुका हूँ। जब NS टॉप इन में नहीं बीट कर पा रही गोरिल्ला को, तो BMW क्या ही खा के बीट करेगी। सवाल है इनिशियल का, क्योंकि BMW का इनिशियल अच्छा है। गोरिल्ला निकल गई आगे। रैप तो बहुत अच्छा करती है ये, क्या बोलते हैं, BMW, बट परफॉर्मेंस वाइज बहुत पीछे है भाई। निकल चुके हैं गोरिल्ला लेके, और अब देखते हैं प्रीमियम ब्रांड BMW बैक कर पाता है इसको पीछे के नहीं कर पाता है। देखो, छठे गियर पे आ गया हूँ मैं और गोरिल्ला आगे जा रही है, और डिस्टेंस घट नहीं रहा कहीं से, बिल्कुल नहीं घट रहा। सामने से ट्रेन थोड़ी सी चल रही है, कोई फायदा नहीं है। बाय डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, टॉप इंड का मुझे पता था कि नहीं निकल पाएगी। 155.6 7 प्रॉपर टाइम दे रहे हैं भाई, BMW को वेट करने के लिए प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। तुम खरी उतरी हो,
जितना मैं तुम्हें जानता था तुम अपने परफॉर्मेंस तक खड़ी उतरी हो। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि गोरिल्ला को हरा पाओगे। इसके पीछे के टायर थोड़े चौड़े हैं ना, तो देखने में मजा आती है, इसलिए थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था। कर लेते हैं चेंज। हाँ प्रीमियम ब्रांड लेके चल रहे हो, फिर भी हार जा रहे हो। अब मैं चलाऊंगा गोरिल्ला। भाई नाम कितना खतरनाक है, गोरिल्ला। नेक्स्ट गाड़ी रॉयल एनफील्ड निकालेगा किंग कॉन्ग। मेरे को चीर दिया भाई बीएमडब्ल्यू को। मैं बता रहा हूँ ना भाई, बहुत तगड़ा इनिशियल है यार गोरिल्ला का। नहीं अब मैं अगर स्लिप स्टीयरिंग लगाऊं तब भी इसको नहीं पकड़ पाऊंगा भाई। और यहाँ पे गोरिल्ला निकलती चली जा रही है, सब बीएमडब्ल्यू एमडब्ल्यू पार नहीं पा पाएंगे। और टॉप इन में तो बहुत पीछे रह जाएंगे, टॉप इन इसका बहुत है। देखो छठे गियर पे हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं। सिक्स गियर डाल दिया हूँ और अब देखता हूँ गोरिल्ला को कंप्लीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। 154 चल जाए बीएमडब्ल्यू, 156 मुझे नहीं लगता कि आगे निकल पाएगी गोरिल्ला, मतलब सॉरी बीएमडब्ल्यू। भाई इनिशियल में ही पीछे हो जा रही है, अच्छा खासा गैप बन जा रहा है। वाह 157 चल जाओ, चल जाए बीएमडब्ल्यू 157। आप ये समझ लो कि अगर कोई बाइक स्लिप स्ट्रीमिंग करके आगे नहीं निकल पा रही, तो भूल जाओ कि वो आगे निकलेगी, बिल्कुल भूल जाओ। पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश की। मैं बता रहा हूं ना, अगर कोई बाइक स्लिप स्ट्रीमिंग करके आगे नहीं निकल पा रही तो सपने में भी नहीं निकल सकती। पूरी कोशिश कर ली। तो ये थी ड्रैग रेस। आपने देखा कि दोनों ही रेसेस में इनिशियल में भी इजिली आपकी गोरिल्ला 450 आगे निकल गई और टॉप इन में भी आगे निकल गई। तो भाई खतरनाक परफॉर्मेंस वाली बाइक बनाई है,
तो आप मुझे बताइएगा ड्रैग आपको कैसे लगी। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवल साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम गाइज़।